अमरेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी गंगा के पास ये रिपोर्ट आ गई है और जिस तरीके से एक एक तथ्य आप बता रहे हैं वो दस्तावेज हमारे पास मौजूद है जो विशाल सिंह ने कोर्ट में पेश किया है। तो ये देखिए, ये एबीपी गंगा के पास ही पूरी रिपोर्ट है जो विशाल सिंह एडवोकेट कमिश्नर हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है, खासतौर से जो फव्वारे की बात सामने आ रही है, फव्वारे में जो बात किया गया कि एक सीख लगाई गई और 63 सेंटीमीटर का केवल वहां पर छेद दिखा गया। इसके साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर ने पूछा वहां पर जो एक मुंशी थे कि आप फव्वारा चलाकर दिखा सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि फव्वारा 20 साल से नहीं चल रहा है, फिर कहा 12 साल से नहीं चल रहा है। और ये पूरी रिपोर्ट एबीपी गंगा के पास मौजूद है। तो एबीपी गंगा पर जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, तो सारी रिपोर्ट जो एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की है वो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। उसके साथ ही साथ अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो भी सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही आपको दिखाया था। वीरेश जी, और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य इस पूरे रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है, ये जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं ये पूरी रिपोर्ट है एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो कोर्ट में जमा की है। तमाम दावे हो रहे हैं लेकिन सटीक बातें क्या इस पूरे सर्वे में आई हैं वो एक एक पेज की हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है वो ये बना है कि शिवलिंग है या फव्वारा, तो उसको लेकर वीरेश जी क्या बातें निकल, जो तथ्य विशाल सिंह ने इस रिपोर्ट में लिखे हैं तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, शिवलिंग है या फव्वारा है? देखिए, फव्वारा तो इसमें जिक्र लगभग नहीं है, क्योंकि मुंशी से जब जवाब किया गया सर्वे की टीम के द्वारा कि तुम कह रहे हो कि ये फव्वारा है तो क्यों गोलमोल जवाब दे रहे हो, फव्वारा पहले उससे पूछा गया ये फव्वारा कितने साल पहले चलता था, तो उसने कहा कि पहले 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो बोला कि नहीं साहब, 12 साल पहले बंद कर दिया गया, 8 साल उसने घटा दिया। फिर उससे कहा गया कि ये बताओ कि इसका जो छेद है अंदर, फव्वारा होगा, फाउंटेन होगा, तो उसमें छेद होगा, तो बोला सर छेद दिखाइए, छेद दिखाया तो उसमें जो छेद की गहराई थी वो 63 सेंटीमीटर थी, उसको सीक डालकर देखा भी गया, और जब सीक डालकर देखा गया तो और वो सफेद पत्थर यानी काला पत्थर जो जिसका व्यास 4 फीट बताया जा रहा है, उसके ऊपर एक सफेद पत्थर रखा गया है और सफेद पत्थर के बीचों बीच आधा इंच चौड़ा छेद दिखा, आधा इंच चौड़ा छेद हो और 63 सेंटीमीटर उसकी गहराई हो केवल, और वो केवल सफेद संगमरमर का जो पत्थर है उसके ऊपर हो, वो जो शिवलिंग है जो तथाकथित रूप से अभी हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि इस पर इस पूरे मामले को लेकर विवाद भी है, तो उसको वो अनकट है, उसमें कहीं कोई छेद नहीं है, यानी जो ब्लैक कलर का, आप समझिए कि अगर जो ब्लैक कलर का, इसे समझाने के दर्शकों को कोशिश करूंगा कि अगर ब्लैक कलर का नीचे से लेके ऊपर तक का जो तथाकथित ब्लैक कलर का पत्थर है वो उसका व्यास 4 फीट है, उसके ऊपर सफेद रंग का संगमरमर रखा हुआ है पत्थर, उस ब्लैक कलर के पत्थर के अंदर कोई छेद नहीं है, उसमें कोई इंच नहीं है छेद है, वो अनकट है, वो पूरी तरीके से शिवलिंग की भांति है, साथ ही साथ उसमें न गहराई है न कोई चौड़ाई है उसकी उसके छेद की, वो पूरी तरीके से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसके ऊपर पत्थर सफ़ेद रंग का रखा गया है। अगर फाउंटेन की बात की जा रही है तो उसमें कहा गया कि छेद है तो छेद दिखाओ, छेद दिखाया गया तो छेद जब देखा गया तो उसका ब्लैक कलर के पत्थर से कोई लेना देना नहीं है, ब्लैक कलर से अलग का छेद है, वो 63 सेंटीमीटर के का छेद है और उसकी आधा इंच चौड़ा छेद है, उसको सफ़ेद संगमरमर से है, और उसको हटाने के बाद जब वो सफ़ेद पत्थर उससे हटाया गया गोल्ड डिज़ाइन के पत्थर से, जैसा कि शिवलिंग होता है, तो उसके बाद उसमें कोई काले रंग के पत्थर में जो 4 फीट का व्यास है उसमें कोई छेद नहीं है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो फाउंटेन जैसे मिले। फिर 20 साल की बात कर रहा था कि 20 साल मुंशी आजाद जो है उसने कहा कि 20 साल पहले ये फाउंटेन चलता था, अब बंद हो गया, फिर कहा उसने 12 साल पहले बंद कर दिया गया था, तो ये पूरा मामला जो फाउंटेन वर्सेज
शिवलिंग का चल रहा था, जब से ये पूरा मामला आया है, सर्वे की टीम जब से उसमें गई है, उसके बाद ये जो विशाल सिंह की रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट थी उसे भी दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि अजय मिश्रा जिन्होंने जो 6 और 7 मई की कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट दिया था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, मलबे में शिलापट मिला, इस पर देवी देवताओं और कमल की कलाकृति बनी। उत्तर पश्चिम कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण दिखा। उत्तर से पश्चिम चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति दिखी। शेषनाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति दिखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई। दिया जलाने की जगह पर नजर आई। इन सब चीजों को देखा जा सकता है। शिलापट जमीन पर काफी समय से रखे लगते हैं, पहली नजर में बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं, ये शिलापट पत्थर उन्हीं हिस्से का लगता है। ये सब अजय मिश्रा की जो सर्वे रिपोर्ट है जो कल प्रस्तुत किया गया था, जो अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर जिन्हें निकाल दिया गया है, जिनके ऊपर आरोप लगा, वो ये उनकी सबसे पहले एबीपी गंगा में दर्शकों को बताया था, और वक्त यही था, और उनकी रिपोर्ट की खास बात थी।